भगवान श्री बिन घन परत फुहार प्रवचन माला के शुभारंभ पर हम आपके चरणों में अपने प्रेम और नमन निवेदित करते हैं। संत सहजोबाई के कुछ पद हैं। राम तजों पै गुरुन बिसारूं, गुरु को सम हरि कोन निहारूं। हरि ने जन्म दियो जग माही, गुरु ने आवागमन छुटाही। हरि ने पांच चोर दिए साथा, गुरु ने लई छुटाई अनाथा। हरि ने कुटुम जाल में घेरी, गुरु ने काटी ममता बेरी। हरि ने रोग भोग उर्झायो, गुरु जोगी जग कर सवै छुटायो। हरि ने कर्म भर्म भरम आयो, गुरु ने आत्म रूप लखायो। हरि ने मोसू आप छिपायो, गुरु दीपक दे ताहि दिखायो। फिर हरि बांध बंध मुक्ति गनि लाए, गुरु ने सभी भर्म मिटाए। चरण दास पर तन मन बारू, गुरु न तजू हरि को तज डारू। भगवान हमें कृपा कर इनका अर्थ बताने की बताएं। बिन घन परत फुहार, यह वार्ता माला एक नई ही यात्रा होगी। मैं अब तक मुक्त पुरुषों पर बोला हूं, पहली बार एक मुक्त नारी पर चर्चा शुरू करता हूं। मुक्त पुरुषों पर बोलना आसान था, उन्हें मैं समझ सकता हूं, वे सजाती है। मुक्त नारी पर बोलना थोड़ा कठिन होगा, वो थोड़ा अजनबी रास्ता है। ऐसे तो पुरुष और नारी अंतरतम में एक है, लेकिन उनकी अभिव्यक्तियां बड़ी भिन्न भिन्न हैं। उनके होने का ढंग, उनके दिखाई पड़ने की व्यवस्था, उनका वक्तव्य, उनके सोचने की प्रक्रिया न केवल भिन्न है बल्कि विपरीत है। अब तक किसी मुक्त नारी पर नहीं बोला, तुम थोड़ा मुक्त पुरुषों को समझ लो, तुम थोड़ा मुक्ति का स्वाद चख लो, तो शायद मुक्त नारी को समझना भी आसान हो जाए। जैसे सूरज की किरण तो सफेद है, पर प्रिज्म से गुजरकर सात रंगों में टूट जाती है। हरा रंग लाल रंग नहीं और न लाल रंग हरा रंग है, यद्यपि दोनों ही एक ही किरण से टूटकर बने और दोनों अंततः मिलकर पुनः एक किरण हो जाएंगे। टूटने के पहले एक थे, मिलने के बाद फिर एक हो जाएंगे, पर बीच में बड़ा फासला है और फासला बड़ा प्रीतिकर है। बड़ा भेद है बीच में और भेद मिटना नहीं चाहिए, भेद सदा बना रहे, क्योंकि उसी भेद में जीवन का रस है। लाल लाल हो, हरा हरा हो, तभी तो हरे वृक्षों पर लाल फूल लग जाते। हरे वृक्षों पर हरे फूल बड़ी शोभा न देंगे, लाल वृक्षों पर लाल फूल फूल जैसे ना लगेंगे। परमात्मा में तो स्त्री और पुरुष एक है, वहां तो किरण सफेद हो जाती, लेकिन अस्तित्व में, प्रकट लोक में, अभिव्यक्ति में बड़े भिन्न है और उनकी भिन्नता बड़ी प्रीतिकर है। उनके भेद को मिटाना नहीं है, उनके भेद को सजाना है, उनके भेद को नष्ट नहीं करना है, उनके भीतर छिपे अभेद को देखना है। स्त्री और पुरुष में एक ही स्वर दिखाई पड़ने लगे,
बिना भेद को मिटा है तो तुम्हारे पास आंख है। वीणा वादक वीणा के तारों को छेड़ता है, बहुत स्वर पैदा होते हैं, उंगुलियां वही हैं, तार भी वही हैं, छेड़खान की थोड़ी सी थोड़ा सा भेद है, पर बड़े भिन्न स्वर पैदा होते हैं। सौभाग्य है कि भिन्न स्वर पैदा होते, नहीं तो संगीत का कोई उपाय न था। अगर एक ही स्वर होता तो बड़ा बेसुरा हो गया होता, बड़ी ऊप पैदा होती। संसार सुंदर है क्योंकि भेद में अभेद है। सारे स्वरों के बीच वही उंगुलियों का स्पर्श है, उन्हीं तारों की ध्वनि। संगीतज्ञ एक है, संगीत का माध्यम एक है, पर संगीत की तरंगों में बड़े भेद हैं। पुरुष बड़ी अलग तरंग है, स्त्री बड़ी अलग तरंग है, अलग ही नहीं मैं कहता हूं बड़ी विपरीत, एक दूसरे के प्रतिकूल जाती हुई तरंगे, और इसलिए तो स्त्री पुरुष के बीच इतना आकर्षण है। एक दूसरे से भिन्न है, इसलिए एक दूसरे को जानने उघाड़ने, एक दूसरे के रहस्य को पहचानने की तीव्र आकांक्षा है। मैं कबीर पर बोला, फरीद पर बोला, नानक पर बोला, बुद्ध, महावीर और सैकड़ों मुक्त पुरुषों पर बोला, वो बात एक सुरी थी, आज दूसरे स्वर को जोड़ता हूं। इस दूसरे स्वर को समझने के लिए उस पहले स्वर ने तुम्हें तैयार किया है, क्योंकि एक बड़ी अनूठी घटना घटती है। पुरुष भी जब मुक्ति के आखिरी सोपान पर पहुंचता है तो स्त्री जैसा हो जाता है, स्त्रीवत हो जाता है। यही तो फरीद ने कहा कि आशिक मासूक हो गया, वो जो प्रेमी था अब प्रेसी हो गया। और फरीद अपने से ही कहता है कि बहन अगर तू ऐसा कर कि उस एक सच्चे की ही आस तुझ में रह जाए तो प्यारा बहुत दूर नहीं। अगर तुम बुद्ध के जीवन को समझो तो तुम बुद्ध के जीवन में वैसी स्त्रीणता पाओगे जैसी श्रेष्ठतम स्त्री में कभी कभी उपलब्ध होती, वही सुकोमल भाव पाओगे। कहो उसे करुणा, लेकिन अगर गहरे में झांक कर देखोगे तो पाओगे वो करुणा बुद्ध के भीतर जन्म रही नई स्त्री का अनुसंग है, छाया है। महावीर में तुम उसे अहिंसा की तरह पाओगे, लेकिन जब भी कोई पुरुष मुक्त होगा तो अचानक तुम पाओगे उसके जीवन में बड़ा स्त्रीण माधुर्य आ गया। ये सभी गुण जिनकी फरीद ने चर्चा की, धीरज, सील, ये सभी गुण स्त्रीण हैं। सील स्त्रीण गुण है, बहुत सुकोमल है, और धीरज धैर्य स्त्रीण गुण है। पुरुष में धैर्य नहीं, पुरुष बड़ा अधीर है, सदा जल्दी में। अगर पुरुष को बच्चे पालने पड़े तो संसार में बच्चे नहीं बचेंगे, उतना धैर्य नहीं। अगर पुरुष को गर्भ संभालना पड़े तो गर्भपात ही गर्भपात हो जाएंगे संसार में, कोई पुरुष गर्भ को संभालने को राजी ना हो। 9 महीने की प्रतीक्षा किसे हो सकती है। पुरुष जल्दी में, तेजी में, समय का उसे बड़ा बोध है, इसी अनंत में जीती है। पुरुष समय में जीता है। मैं मुल्ला नसरुद्दीन के घर मेहमान था, हम दोपहर के विश्राम के बाद बैठ के गपशप कर रहे थे, बिस्तर पर ही बैठे हुए थे कि पत्नी ने झांका और उसने कहा कि सुनो जी, बच्चों को संभालना, मैं थोड़ा डॉक्टर के पास जाती हूं, दांत निकलवाऊं। मुल्ला उछल के खड़ा हो गया, कोट में हाथ डाल लिया, बोला ठहरो फजलू की मां, तुम ही बच्चों को संभालो, दांत मैं निकलवा आता हूं।
बच्चों को संभालना ऐसा उपद्रव है, उतना धैर्य पुरुष के पास नहीं। बच्चे को बड़ा करना तो बहुत मुश्किल होगा, 20-25 वर्ष लगते तब कहीं कोई बच्चा अपने पैरों पर खड़ा हो पाता। धैर्य स्त्री के लिए सुगम है, पुरुष के लिए साधना है। इसलिए फरीद कहते हैं धैर्य साधो। स्त्री मन को लगेगा इसमें साधने जैसा क्या है, ये मैं तुम्हें फर्क समझा रहा हूं। स्त्री मन को लगेगा धैर्य में साधने जैसा क्या है, धैर्य तो है ही। फरीद कहते हैं सील साधो। स्त्री को लगता है सील ना हो तो बात ही क्या हुई, सील तो स्वभाव है। स्त्री को अगर साधना हो तो सील को तोड़ना साधना पड़ता है। सील उसे सहज आता है, जैसे वृक्षों में पत्ते आते हैं ऐसे स्त्री में सील आता है। सीलवान पुरुष खोजना जरा मुश्किल होता है, सीलहीन स्त्री भी खोजनी जरा मुश्किल होती है। स्त्रियां अगर सील खोती हैं तो पुरुषों के प्रभाव में खो देती हैं, और पुरुष अगर सील को उपलब्ध होते हैं तो स्त्रियों के प्रभाव में उपलब्ध होते हैं। जो पुरुष के लिए बड़ा तपश्चर्या से मिलता है वो स्त्री को जन्म से मिलता है। कुछ और बातें हैं जो पुरुष को जन्म से मिलती हैं, स्त्री को नहीं मिलती। अगर स्त्री को सैनिक बनना हो तो बड़ी तपश्चर्या से गुजरना पड़ेगा, लेकिन साधु बनने के लिए किसी तपश्चर्या से नहीं गुजरना पड़ेगा। अगर स्त्री को युद्ध के मैदान पर जाना हो तो बड़ी तैयारी करनी होगी, बड़े प्रशिक्षण से गुजरना होगा। लेकिन स्त्री को अगर मंदिर में जाकर प्रार्थना करनी हो, पूजा करनी हो, अर्चना करनी हो, तो उसे किसी से भी सीखने की जरूरत नहीं है। तुम छोटी सी बच्ची को मंदिर ले जाओ और जैसे वो जन्म से जानती है कि मंदिर में कैसे झुकना, और तुम लड़के को ले जाओ, तुम उसकी गर्दन झुकाओ, वो खड़ा हो जाता है। झुकना उसे आता नहीं, झुकना बात जस्ती नहीं, वो झुकाना चाहेगा, झुकना ना चाहेगा। पुरुष के लिए संघर्ष स्वाभाविक है, युद्ध स्वाभाविक है। पुरुष जीतने का एक ही रास्ता जानता है, संघर्ष। स्त्री जीतने का एक दूसरा रास्ता जानती है, समर्पण। पुरुष जीत के भी हार जाता है, स्त्री हार के भी जीत जाती है, ऐसा उनका भेद है और सुंदर है। विपरीत भी जाते हैं फिर भी उनमें एक गहरा तालमेल है, क्योंकि पुरुष जीत के हारता है, स्त्री हार के जीतती है, इसलिए दोनों में तालमेल भी हो जाता है, विरोध मिल जाते हैं, दोनों एक दूसरे के साथ बैठ जाते हैं। पुरुष भी जब मुक्ति के करीब पहुंचता है तो उसमें स्त्रीण फूल खिलते हैं, और स्त्री जब मुक्ति के करीब पहुंचती है तब उसमें पुरुष जैसे फूल खिलते हैं, इसे तुम थोड़ा समझ लो। मैंने पहले भी कहा है, मैं फिर कहूं, जैनों के 24 तीर्थंकरों में एक स्त्री है, उसका नाम है मल्लीबाई। लेकिन दिगंबर जैन उसके नाम को मल्लीनाथ कर दिए, क्योंकि वे ये स्वीकार नहीं कर पाते कि कोई स्त्री मुक्त हो सकती, स्त्री पर्याय से मुक्ति है ही नहीं, तो वे तो मानते ही नहीं कि मल्लीबाई मल्लीबाई थी, वे तो कहते हैं मल्लीनाथ। उनकी बात में भी थोड़ा अर्थ है, अर्थ यही है कि जब कोई स्त्री मुक्ति के करीब पहुंचेगी तो उसमें पुरुष जैसे फूल खिलेंगे, और जब कोई पुरुष मुक्ति के करीब पहुंचेगा तो उसमें स्त्री जैसे फूल खिलेंगे। ऐसा क्यों होता है, इसे जानने को थोड़ा मनुष्य के मन में प्रवेश करना पड़े। प्रत्येक के भीतर दोनों है, पुरुष के भीतर स्त्री छिपी है, स्त्री के भीतर पुरुष छिपा है। ऐसा होगा ही, क्योंकि प्रत्येक दोनों से पैदा होता है। तुमने तुम्हारी मां ने भी आधा दान दिया है, तुम्हारे पिता ने भी आधा दान दिया है। तुम स्त्री नहीं हो सकते अकेले, तुम अकेले पुरुष भी नहीं हो सकते। स्त्री और पुरुष के संगम हो तुम, वहां दोनों आके मिल गए, उससे तुम्हारा निर्माण हुआ है, तो तुम में आधी स्त्री होगी आधी पुरुष होगा।
फर्क क्या होगा फिर पुरुष और स्त्री में? फर्क इतना ही होगा, पुरुष में पुरुष ऊपर होगा, स्त्री भीतर छिपी होगी, स्त्री गहरे में होगी, पुरुष परिधि पर होगा। स्त्री में फर्क यह होगा कि स्त्री में स्त्री ऊपर होगी, पुरुष नीचे दबा होगा। और जब तुम मुक्त होगे, जब तुम्हारी चेतना अपने शांत केंद्र की तरफ वापस लौटेगी, तो जो छिपा है वो प्रकट होगा। जो प्रकट था वो तो था ही, अब तक जो छिपा रहा था वो भी प्रकट होगा। इसलिए पुरुष फरीद कहता है आसिफ मासूक हो जाते। उस आखिरी घड़ी में अचानक तुम पाते हो कि पुरुष तो मैं था, लेकिन अब कुछ नया घट रहा है, भीतर एक नया द्वार खुल रहा है जो अब तक बंद पड़ा था। और स्वभावतः जो अब तक प्रकट न हुआ था उसकी ताजगी बड़ी होती, जो अब तक प्रकट रहा उस पर तो धूल जम गई होती। वो तो तुम जी लिए इतने दिन तक, वो तुम्हारे अनुभव का हिस्सा हो गया, उसका नावीन्य खो गया। जब छिपा हुआ अचानक प्रकट होता है, पुरुष में जब स्त्री प्रकट होती है मुक्ति के क्षण के करीब, आत्म केंद्र के करीब, तब पुरुष को बिल्कुल आच्छादित कर लेती। इसलिए बुद्ध पुरुष स्त्रीण हो जाते, उनको ढांक लेती। बुद्धत्व को उपलब्ध स्त्रियों में बड़े पुरुष का भाव पैदा होता है, छिपा हुआ पुरुष एकदम प्रकट हो जाता है। ये केंद्र के करीब की घटना है, करीब करीब जब तुम बस आखिरी कदम के करीब हो। यह केंद्र की घटना नहीं है, अभी केंद्र से एक कदम का फासला है। परिधि पर नहीं हो, अब केंद्र पर भी नहीं पहुंचे हो, बस केंद्र के करीब आ गए, परिधि छोड़ दी, जो बीच में छिपा था वो प्रकट हो गया। अंतिम कदम में तो तुम ना पुरुष रह जाओगे ना स्त्री, केंद्र पर तो दोनों खो जाएंगे। वहां तो तुम्हारा रंग एक ही रह जाएगा, शुभ्र सफेद, न तुम लाल होगे न तुम हरे होगे। वहां इंद्रधनुष खो जाएगा, जहां इंद्रधनुष खोता है वहीं संसार खो जाता है। फिर एक बचता है, उस एक को हमने एक भी नहीं कहा, क्योंकि एक कहने से भी दो का ख्याल आता है, हमने उसे अद्वैत कहा। हमने इतना ही कहा कि वो दो नहीं, वहां फिर न कोई स्त्री है न पुरुष है। हिंदुओं ने बड़ी हिम्मत की है, ब्रह्म को नपुंसक लिंग में रखा है, न स्त्री न पुरुष, क्योंकि वहां तो दोनों ही खो जाएंगे। जीसस के वचनों में एक बड़ी अजीब बात है, ईसाइयों को बड़ी कठिनाई होती है। जीसस बार बार अपने शिष्यों से कहते हैं, क्या तुम परमात्मा के लिए नपुंसक होना चाहोगे? ईसाइयों को बड़ी कठिनाई होती, ये भी क्या बात हुई, पर जीसस ठीक कह रहे हैं, आखिरी घड़ी में तो यही होगा, तुम दोनों न रह जाओगे, तुम दोनों के पार हो जाओगे, तुम दोनों से मुक्त हो जाओगे। मैं गई रात यहूदियों का एक शास्त्र मिद्रेस पढ़ रहा था, उसमें एक वचन आता है, वचन है द तोरा हैज टू पाथ्स, धर्म के दो मार्ग हैं, वन इज ऑफ सनलाइट, अनदर इज ऑफ द स्नो, एक है सूर्य का उत्तप्त और दूसरा है बर्फ का शीतल। If you follow the first, you will die of sun. अगर तुम पहले मार्ग पर गए तो तुम सूर्य के ताप से मरोगे। If you follow the second, you will die of snow. अगर तुम दूसरे मार्ग से गए तो तुम बर्फ की ठंडक में मर जाओगे। Then what to do? तब करें क्या? तो मिद्रेस कहती है, walk between the two. दोनों के बीच चलो। वो बीच न पुरुष है न स्त्री। अगर तुम पुरुष के मार्ग से गए तो तुम ताप से मरोगे, अगर तुम स्त्री के मार्ग से गए तुम ठंडक से मर जाओगे। तब करें क्या? दोनों के बीच चले। पर वह घटना तो घटती है आखिरी बिंदु पर, जहां व्यक्ति केंद्र पर पहुंचता है, वहां दोनों से मुक्त हो जाता है। सूरज की किरण फिर सूरज की किरण हो गई, इंद्रधनुष आए और गए, संसार बना और मिटा, तुम फिर मूल पर वापस आ गए, उद्गम उपलब्ध हुआ।
स्त्रीण चित्त की थोड़ी सी बातें समझ लें, फिर सहजो वाणी को समझना आसान हो जाएगा। पहली बात, स्त्रीण चित्त की अभिव्यक्ति ध्यान की नहीं, प्रेम की है। उसे ध्यान प्रेम से ही उपलब्ध होता है। उसने ध्यान को भी प्रेम से ही जाना है, वो प्रेम से ही तरोबोर है। उसके लिए ध्यान का नाम प्रार्थना है। पुरुष अकेला जी सकता है, वस्तुतः पुरुष अकेला ही होना चाहता है। अहंकार संबंधित नहीं होना चाहता, क्योंकि संबंधित होने में झुकना पड़ता है, थोड़ी अकड़ छोड़नी पड़ती, दूसरे के तल पर आना पड़ता है। मैत्री का अर्थ ही यही है कि हम दूसरे को अपने समान माने, और प्रेम का तो अर्थ यह है कि दूसरे को हम अपने से ऊपर माने। तो युद्धशील पुरुष का मन मैत्री के लिए तैयार नहीं होता, प्रेम के लिए तो बहुत कठिनाई है, प्रार्थना तो असंभव है। प्रार्थना का तो अर्थ हम दूसरे के चरणों में सिर रखते हैं। पुरुष रखता भी है तो पूरे भाव से नहीं रख पाता, मजबूरी में रखता है, कोई और उपाय नहीं देखता तो रखता है, असहाय हो जाता है तो रखता है, बल से नहीं रखता, निर्बलता से रखता है, जीता हुआ नहीं रखता, हार जाता है तो रखता है, सौभाग्य नहीं मानता सिर झुकाने में, भीतर तो ऐसा ही लगता है कैसा अभागा क्षण आया। पश्चिम की भाषाओं में समर्पण के लिए जो शब्द है उसमें वो भाव नहीं है जो पूर्व की भाषाओं में, सरेंडर, उससे खबर मिलती है कि तुम हार गए। पश्चिम में सरेंडर का अर्थ होता है किसी ने तुम्हें हरा दिया और झुका दिया, पूरब में अर्थ होता है समर्पण का, तुम हारे और झुके, किसी ने झुकाया नहीं। पश्चिम की भाषाएं पुरुष से प्रभावित हैं बहुत ज्यादा, पूरब की भाषाएं स्त्री से बहुत प्रभावित हैं। इसलिए पूरब की भाषाओं में जितना महत्वपूर्ण है वो तुम सब स्त्रीण पाओगे, ममता, करुणा, अहिंसा, दया, प्रार्थना, पूजा, अर्चना, सब स्त्रीण शब्द हैं। जो भी सुकोमल है, माधुरी से भरा है, उसे हमने स्त्रीण शब्द दिया है, उसमें कुछ स्त्री का गुण है। पुरुष योद्धा है, स्त्री समर्पिता। पुरुष के लिए ध्यान, तप, साधन, योग आसान, स्त्री के लिए प्रेम, प्रार्थना, पूजा, अर्चना। पुरुष एब्स्ट्रैक्ट शब्दों को बड़ा मूल्य देता है, आकाशीय शब्द, यथार्थ नहीं, जिन्हें छुआ जा सके, जिन्हें हाथ में पकड़ा जा सके नहीं, वो दूर की बातें करता, आकाश की बातें करता है। स्त्री बहुत यथार्थवादी है, वो निकट की बात करती, पड़ोस की बात करती। तुम स्त्रियों की बात सुनो, पड़ोस में क्या हो रहा है इसकी चर्चा होगी, तुम पुरुषों की बात सुनो, वियतनाम में क्या हो रहा है, इजराइल में क्या हो रहा है, स्त्री को ये बात जस्ती नहीं, इतने दूर की भी क्या बात, इससे लेना देना नहीं कुछ। पुरुष को ये बात नहीं जस्ती कि पड़ोस की स्त्री किसी के साथ भाग गई, इसमें इतना क्या है, इसमें क्या रखा है, चलता रहता है पड़ोस में ये सब। असली घटनाएं इसराइल में घट रही हैं, अमेरिका में घट रही हैं, वियतनाम में घट रही हैं, सारी दुनिया पड़ी, इतनी बड़ी पृथ्वी पड़ी, और पुरुष का मन इससे भी नहीं भरता, वो कहता चांद पे जाना है, मंगल पे जाना है। स्त्री सदा सोचती कि करोगे क्या चांद पे मंगल पे जाके, ज्यादा अच्छा हो थोड़े घर के बगीचे को सुधार लो, लान की घास बढ़ गई है उसे काट लो, घर गंदा है इसकी सफाई कर लो, चांद पे जाके क्या करोगे। दूर, जो बहुत दूर है, सुदूर है, वो स्त्री को नहीं भाता, उसे निकट चाहिए, वो मां है,
वो पत्नी है और पृथ्वी है, उसे निकट और करीब और यथार्थ। मनुष्य मनुष्य में यहां बड़ा भेद है, स्त्री पुरुष में यहां बड़ा भेद है। पुरुष कहेगा मातृभूमि, स्त्री कहेगी अपना घर। पुरुष कहेगा मनुष्यता, मानवता, स्त्री कहेगी मेरा बेटा, मेरा पति, मेरा भाई। स्त्री की सीमा परिवार पर पूरी हो जाती है। स्त्री छोटे दिए की तरह है जो अपने चारों तरफ थोड़ी सी दूर तक प्रकाश डालता है, उस प्रकाश का परिवार है। पुरुष टार्च की तरह है, अपने आसपास कुछ खास प्रकाश नहीं डालता लेकिन बड़ी दूर तक उसकी किरण, दूर की चीज देखने की उत्सुकता है। पुरुष दूर दृष्टि है, स्त्री निकट दृष्टि है। इसका अर्थ यह हुआ कि पुरुष जब परमात्मा की बात करता है तब गुरु की बात करती है स्त्री, क्योंकि परमात्मा तो बहुत दूर, गुरु बहुत पास। परमात्मा तो हो सकता है सिर्फ एक प्रत्यय, एक धारणा, एक शब्द हो, किसने जाना, किसने देखा, लेकिन गुरु बहुत यथार्थ है, उसके चरण हाथ से पकड़े जा सकते हैं। परमात्मा के चरण कहां पकड़ोगे? स्त्री के लिए गुरु ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है परमात्मा से भी। सहजों का वचन बड़े नास्तिक का मालूम पड़ता, राम तजू पर गुरु न बिसारू, परमात्मा को छोड़ सकती हूं, मुझे कुछ अड़चन नहीं राम के त्यागने में, लेकिन गुरु को छोड़ना असंभव है। पुरुष को यह कहने में थोड़ी सी हिचक होगी, वो कहेगा कि गुरु को तो छोड़ना ही है, परमात्मा को ही पाना है, एक दिन तो गुरु को छोड़ना ही पड़ेगा और परमात्मा से मिलन करना होगा। स्त्री कहेगी अगर परमात्मा को ही मिलना है तो गुरु में ही आ जाए, और इसे छोड़ने का कोई उपाय नहीं। गुरु को छोड़ के परमात्मा नहीं पाना है, गुरु में ही परमात्मा पाना है, यह यथार्थ की पकड़। क्योंकि गुरु करीब है, वास्तविक है, तुम्हारी जैसी उसकी देह, तुम्हारे जैसी उसकी वाणी, तुम्हारी जैसी उसकी आंख, तुमसे वो ज्यादा है लेकिन तुम जैसा तो है ही, वो प्लस भी है, उसमें कुछ धन भी है, तुमसे कुछ ज्यादा भी है, लेकिन तुम जैसा तो निश्चित है। परमात्मा बिल्कुल तुम जैसा नहीं है, वो कितना ही ज्यादा हो लेकिन उस पर कोई पकड़ नहीं बैठती, उसको छूने का कोई उपाय नहीं। अगर तुम पुरुषों की वाणी सुनो तो वो कहेंगे अव्यक्त, निराकार, निर्गुण, न किसी कभी ने देखा, न कभी किसी ने सुना, न कभी किसी ने छुआ, वहां से शब्द लौट आते हैं, हाथ के पहुंचने का तो सवाल क्या, आंख उसे देख नहीं सकती, वो कोई वस्तु नहीं है, पदार्थ नहीं है, उसका कोई रूप नहीं, वो निराकार निर्गुण अस्तित्व है। कहां है मत पूछो, सब कहीं है। स्त्री को ये बातें कोरी मालूम पड़ती, ये शब्द मालूम पड़ते हैं बड़े बड़े, इनके भीतर सच्चाई नहीं मालूम पड़ती। स्त्री कहती है वो सगुण हो तो ही भरोसे के योग है, उसमें आकार हो तो ही हमें भरोसा बैठेगा, क्योंकि स्त्री प्रेम करना चाहती है, ध्यान नहीं। इस फर्क को समझो, जिस पर ध्यान करना हो वो निराकार हो तो भी चलेगा, अगर आकार हो उसका तो ध्यान में बाधा पड़ेगी, लेकिन जिसे प्रेम करना हो उसका आकार ना हो कैसे प्रेम करोगे, गले कैसे लगाओगे उसको। कैसे पुकारोगे उसे अपने हृदय के पास, वो निराकार है। ये निराकार शब्द बिल्कुल कोरा मालूम पड़ेगा, इससे कोई भक्ति तो उठेगी नहीं, इससे कोई प्रेम का आविर्भाव ना होगा। ये इतना बड़ा है कि इसमें पकड़ छूट जाती, इसमें डूब सकते हो लेकिन इससे प्रेम कैसे करोगे, इसमें मिट सकते हो, मर सकते हो लेकिन इसके साथ जियोगे कैसे। भक्त कहता है नहीं, सगुण है, सभी गुण उसके हैं, वो कहता है आकार है उसका, सभी आकार उसके हैं, फूल में, पत्ते में, पहाड़ में, झरने